मैं आपका फरमान लेकर हाजिर हूँ आपके सामने एक नई वीडियो के साथ। अभी हमने खलीफा और मैंने एक नई जगह ईजाद करी है, वो है जमुना पार भजनपुरे के पास। इधर आ जाओ खलीफा। ये एक ब्रिज है यहाँ पे, और ब्रिज के दोनों साइड पर देख सकते हो, इधर भी ये जमुना है और इधर भी ये जमुना है। पहले यहाँ पे ब्रिज हुआ करता था। इधर दिखाना खलीफा, ये दिखाना ज़रा। ये पूरा ब्रिज अभी डूब चुका है, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पानी नज़र आ रहा है। और अगर मैं बात करूँ तो मैं इसको सस्ता मरीन ड्राइव कह सकता हूँ। और यहाँ पे अगर आना चाहो तो दिन में आओ, बढ़िया सस्ता मरीन ड्राइव के मज़े लो, क्योंकि दोनों तरफ अभी रात में मैं आपको इतने अच्छे से नहीं दिखा पा रहा हूँ। इधर भी पानी है, इधर भी पानी है, और मेरे पीछे भी पानी है, तो हमारे तीनों तरफ पानी है यहाँ पे। ये देखो, हम तीनों तरफ पानी से घिरे हुए, और ये होता है नेचर से मजाक करने का नुकसान। तो ये गाइस बेसिकली ये यमुना नदी है, और यमुना नदी बहती थी यहाँ से। पहले यहाँ ब्रिज होता था, और ये जो आप देख रहे हो यहाँ से सड़क, ये पुल हुआ करता था ये, लेकिन पुल अभी डूबा पड़ा है। और ये पूरा यमुना का पानी है सारा टोटल, और ये आप देख सकते हो पुल अभी डूबा पड़ा है। हमारे सामने भी जेसीबी भी था यहाँ पे, लेकिन जेसीबी जा चुका है अभी। तो काफ़ी, मुझे ऐसा लगता है काफ़ी गहरा है। हमने अभी रियाज से बात भी करी, तो यहाँ पे कुछ वो 12 झीलों का शहर वह टाइप कुछ बनने वाला था, तो उसी का था। अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊँ तो बीच में आपको सामने देख सकते हो बूथ भी हैगा, और बूथ के साथ साथ ये भी है। तो ये सिस्टम है कुछ अच्छा। ये देखो खलीफा, कुछ बाढ़ सी भी है ना वहाँ पे, वो देखो है ना, शायद अंधेरे में आपको दिख रही है, नहीं दिख रही, लेकिन वहाँ पे एक बाढ़ भी है। तो अभी हमने एक रिहायश बंदे से भी बात करी थी यहाँ पे, उसका कहना था कि कुछ प्रोजेक्ट वगैरह चल रहा है यहाँ पे, 3 झील बनने वाली थी। अच्छा, कार्य भी शुरू हो गया था, फिर बीच में ना बाढ़ आ गई यहाँ पे, और सब में तब बह गया। कहाँ बनने वाली थी, यही पीछे जो अपना है ना, ये पार्किंग एरिया है पीछे, जहाँ पानी भरा हुआ है ना, ये पूरा पार्किंग एरिया है। यहाँ से रास्ता भी बन गया था झीलों के लिए। अच्छा, जिन्हें कहते हैं झील अनवारे हैं, 12 झीले, झीलों का शहर होगा ये, तो पानी पहले भेज दिया, झील आगे रह गई। अच्छा, झील रह गई, पानी पहले आ गया, झील का काम जरा सरकारी था तो रह गया। क्या कहते हो भाई खलीफा, ऑटोमेटिक झील बन गई। अब ये जो है पुल बना देंगे, ये ब्रिज है, ब्रिज के बाद पानी है, पानी के बाद जंगल है, जंगल के पीछे मेन जमुना है, वो सामने सिग्नेचर ब्रिज देख पा रहे हो आप। तो ये सारा सिस्टम है, हमने एक नई जगह ईजाद कर ली, जो शायद आपको यूट्यूब पे देखने पे ना मिले। तो अगर आप आना चाहते हो तो बिल्कुल आओ, भजनपुरे का सिस्टम है, इसकी लोकेशन मैं आपको डाल दूँगा, आप आके देख सकते हो। लेकिन दिन में आना, रात में कुछ मज़ा नहीं ले पाओगे आप। तो ये है, और वो बहुत पूरा एक लंबा चौड़ा रोड है, लेकिन यहाँ पे ये पानी अब यहाँ पे ख़त्म हो गया। धूमन करना थोड़ा सा, ये पानी आप देख सकते हो यहाँ पे, ब्रिज हम बिल्कुल एंड पे खड़े हैं, इसके आगे पानी है, इससे आगे मैं नहीं जा सकता, सॉरी। इतना रिस्क ले सकता हूँ आपके लिए, इससे ज़्यादा रिस्क नहीं ले पाऊँगा। और ये बिल्कुल खतरा है, सिग्नेचर ब्रिज के बिल्कुल सामने है। और ये इधर भी पानी है, दिखाओ, देखो ये पानी है और इधर पानी है, और साथ साथ इधर भी पानी है, और रोड बहुत दूर है, दिखाना खाली, वो देखो सामने रोड बो रहा, तो हम रोड से बहुत दूर है। तो तीन तरफ पानी है, और यहाँ एक दिल्ली पुलिस का बैरिकेड भी लगा हुआ है। और अगर मैं पानी की आपको गहराई का अंदाज़ा दिखाऊँ, पानी की गहराई का अंदाज़ा दिखाने के लिए थोड़ा मुझे इसके करीब जाना पड़ेगा खलीफा। पोल से अब अंदाज़ा लगा सकते हो क्या? पोल से अब अंदाज़ा लगा सकते हैं? नहीं, थोड़ा जूम आउट करो ना, जूम आउट करो, ये देखो पानी कितना खूबसूरत लग रहा कहता हुआ, यहाँ से आप देख सकते हो। और ये हमारे तीन तरफ इस टाइम पानी है, और अभी आज बारिश भी हुई थी। मौसम आप देख सकते हो, दिखाना तरफ पर मौसम आप देख सकते हो, बादल का सा मौसम है, बड़ा अच्छा सा लग रहा है, बहुत अच्छा मौसम हो रहा है। आए थे किसी और काम के लिए और पड़ गए इस वीडियो के चक्कर में, लेकिन बहुत मस्त व्यू है। आप अगर आओ तो किसी दिन अगर क्लाउडी वेदर हो तो आप आके देखो, बहुत सही लगेगा। ऐसा शाम के साथ कोई बड़ा सा हो तो साइड में लगा लगा दो। और ये बंदा जो है यहाँ बोट लेके घूम रहा है। यार रात हो रही है, खलीफा नहीं सारे काम कर लेते हैं।